डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, आई एम कंटिन्यूइंग माय लेक्चर ऑन योर चैप्टर नंबर 7, ट्रायंगल्स ऑफ बेस बुक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन तक बताया था 7.2 एक्सरसाइज में। मैं अब आपको सिक्स्थ क्वेश्चन बता रही हूँ। इसमें आपको दे रखा है एबीसी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी आपको इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन में फिगर वैसे गिवन है लेकिन स्टिल आपने सीखना है बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए को डी से प्रोड्यूस करना है और सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। बी ए को डी तक इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि बी ए इक्वल टू ए डी दे रखा है, ए डी इक्वल टू ए बी दे रखा है, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू ए बी दे रखा है और आपको प्रूव करना है एंगल बी सी डी 90 डिग्री का, ठीक है। गिवन लिख लेना ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है और ए बी इज इक्वल टू ए डी दे रखा है। प्रूव करना है एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री। अब प्रूफ पे चलते हैं। अब ए बी सी आई सोचलेस ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू ए डी दे रखा है, ठीक है। ए बी और ए डी इक्वल है और ए बी इक्वल टू ए सी है, इट मीन्स अगर ये दोनों कॉमन है आपके इसमें तो ए सी इक्वल टू ए डी आ गया, मतलब ए सी और ए डी भी आपके इक्वल हो गए, ठीक है। अब एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है। इस ट्रायंगल को देखना है सिर्फ ए बी सी को, ठीक है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो 1 = 2 आ गया। ये स्टेटमेंट लिखनी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद आपने ट्रायंगल ले लेना ए डी सी। ए डी सी में अभी बोला ए सी इक्वल टू ए डी, उसी का इस्तेमाल करना है। ये और ये इक्वल है तो इस ट्रायंगल में अगर दो साइड ये और ये इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो ये भी इक्वल हो गए। 3 = 4 सेम स्टेटमेंट लिखनी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद पूरा ट्रायंगल ले लो बी सी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री बाय एंगल सब प्रॉपर्टी, ठीक है। डी की जगह लिख दो एंगल 4, बी की जगह लिख दो 2 और सी की जगह लिख दो ये 1 और 3 दोनों, दिस प्लस दिस, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है 1 और 2 इक्वल है तो 2 की जगह भी मैंने 1 लिख देना है, तो एंगल 1 + एंगल 1 डबल ऑफ एंगल 1। और एंगल 3 और 4 इक्वल है तो 4 की जगह 3 लिख देना, एंगल 3 + एंगल 3 डबल ऑफ एंगल 3। 2 ले लिया कॉमन, एंगल 3 + एंगल 1 क्या था, एंगल 3 + एंगल 1 क्या था, बी सी डी, बी सी डी लिख दिया और ये 2 को नीचे ले गई, तो ये बी सी डी कितने का आ गया 90 डिग्री का। इसे ही मुझे प्रूव करना था। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंट दे रही हूँ, ठीक है। वैसे मैंने सारे सम बताए हैं और ये बिल्कुल सिंपल है। एंगल ए आपको 90 डिग्री का दे रखा है और आपको दे रखा है कि ये आपका एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। ए बी इक्वल टू ए सी ऑलरेडी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल आएगा और इस साइड के अपोजिट ये एंगल आएगा, ठीक है। तो और एक एंगल 90 का दे ही रखा है, एंगल ए बी 90 का दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी भी दे रखा है, तो ए बी इक्वल टू ए सी के अकॉर्डिंग एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसके अपोजिट ये एंगल है और इसके अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। इन दोनों को मैंने एक्सलेट कर लिया, दोनों एंगल्स को एक्सलेट कर लिया, इक्वल है। अब मैंने तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कर दिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब दो तो एक्स एक्स ले लिया क्योंकि दोनों इक्वल है और तीसरा 90 का मुझे गिवन है, उधर ले जाके सबट्रैक्ट किया 90 टू मल्टीप्लाइड में डिवाइड में, इसका मतलब दोनों बचे हुए एंगल कितने आगे आ गए 45 45 के, ओके। पूरा सम हो चुका है, वैसे थोड़ा सा लिखना है गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूव सम। 8th क्वेश्चन भी मैंने बहुत इजी है, स्टिल मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, अगर तीनों साइड इक्वल है तो वही प्रॉपर्टी दो पे लगा सकती हो। पहले ए बी इक्वल टू बी सी ले लो, ए बी और बी सी इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, ठीक है। तो ए बी के अपोजिट एंगल सी है और बी सी के अपोजिट एंगल ए है, तो वही लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, फिर से वही स्टेटमेंट। फिर ले लो ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी और ए बी इक्वल ले लो क्योंकि तीनों इक्वल साइड्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, फिर लिख दो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो सी ए के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, इसका मतलब तीनों इक्वल है, तीनों को इनको मैंने एक्सलेट कर लिया,
अगर मैंने सपोज सी को एक्स लेट कर लिया लेकिन ए सी के इक्वल है तो सी भी एक्स हो गया, बी और सी इक्वल अगर सी एक्स है तो बी भी एक्स हो गया, तीनों को 180 डिग्री के इक्वल पुट करके x प्लस एक्स और ऑटोमेटिकली 1x प्लस 1x 3x बनेगा, ठीक है। नहीं तो मैं लिख ही देती हूँ, वैसे तो बहुत इजी है, x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1x क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 बाय 3, दैट इज ईच इज 60 डिग्री, तो यही आपको प्रूव करना है। अब आपकी ये एक्सरसाइज भी ओवर हो गई है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को विद एग्जांपल करके और सेंड कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी शेयर करना। ओके, थैंक यू।